नमस्कार, न्यूज क्लिक पर स्वागत है। मैं हूं मुकुंद और अभी हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर, जहां पर देश भर के 16 छात्र संगठन जो है वो पहुंचे हैं और इनकी मांग है जो पिछले दिनों जो शिक्षा को बदलाव जो हुए हैं, जो शिक्षा नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है वो एक तरीके से छात्र में हित में ना हो गए, छात्र विरोधी और शिक्षा विरोधी है, इसलिए इसका ये लोग विरोध करने पहुँचे हैं। और इनके इन आरोप में क्यों ये कह रहे हैं जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति इनके खिलाफ है, इस पर हमने इनसे बात की, समझने का प्रयास किया है जो ये इस नीति का विरोध क्यों कर रहे हैं और इनका केंद्र सरकार पर शिक्षा विरोधी होने के जो आरोप है उसमें क्या दावे इनके हैं, इनसे हमने बात की है। इसके अलावा हमने इनसे समझने का प्रयास किया है जो ये एक आंदोलन है जिसमें शिक्षा से जुड़े, शिक्षा के निजीकरण, शिक्षा के व्यवसायीकरण से जुड़े सवाल उठा रहे हैं। एक आंदोलन ये, इसके आगे का रास्ता क्या होगा और किस तरीके से आने वाले समय में अपने आंदोलन को ले जाएंगे, इस पर हमने इनसे बात की है। सुनिए पूरी बातचीत में ये लोग क्या कहते हैं। जो मुद्दा पूरे देश भर में है वो मुद्दा ओडिशा में भी है, लेकिन दूसरा चीज ये है कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो अपना ओडिशा का है, तो जो कुछ भी हो रहा है उसका परीक्षा पहले लैबोरेटरी के तौर पर ओडिशा में इम्प्लीमेंट हो रहा है। और ओडिशा में जो बीजेडी की सरकार है वहां पर जैसे अनडिक्लेयर्ड अलायंस का सरकार है, डबल अनडिक्लेयर्ड डबल इंजन की सरकार है, तो बीजेपी और बीजेडी दोनों ही वहां पर शिक्षा को समाप्त करने की पूरी साजिश कर चुके हैं। और एनईपी के आने से पहले ही ओडिशा में स्कूल बंद होना शुरू हो गया था और हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने हाईकोर्ट में, जब हाईकोर्ट ने बोला कि आप स्कूल बंद नहीं कर सकते हो, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट वो लोग गए ताकि स्कूल बंद किया जाए। एक तरफ आप चाहते हो कि गरीब के बच्चे ना पढ़े और कास्टिज्म और से बढ़े, और जिस तरीके से आप धर्मीय भावना को लेकर के पूरे देश भर में डिविजन करना चाहते हैं उसको, उसका एक प्लेटफॉर्म आप चाहते हो एजुकेशन बने। आप हिटलर को छिपा दीजिएगा और मोदी को दिखा दीजिएगा, एक समान आपको लगेंगे। और कभी कभी लगेगा कि मोदी हिटलर के भी बाप हैं, जिस तरीके से हिटलर अपने एजुकेशन सिस्टम को अपने तरीके से उसने कम्युनलाइज किया था, कॉर्पोरेटाइज किया था, उसी तरीके से मोदी भी उस तरीके से कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे जितने भी हम संगठन आए हैं, हम अलग अलग विचारधारा के हैं, पर हमें ऐसा लगा कि एक वक्त पे जहाँ पे हमारी देश की जो बुनियादी चीज़ें हैं, चाहे वो डेमोक्रेसी हो चाहे वो सेकुलरिज्म हो, वो खतरे में है, वहाँ पर ये ज़रूरी है कि हम सारे लोग इकट्ठे आए और 2024 का जो चुनाव है हम उसका एजेंडा सेट करना चाहते हैं। हमने देखा है अभी राम मंदिर को लेके ये लोग फिर से रिलीजियन को चुनाव का मुद्दा बना रहे हैं, कहाँ पे मंदिर बनेगा, कहाँ पे मस्जिद बनेगा, ये चुनाव का मुद्दा नहीं हो सकता। चुनाव का मुद्दा हमारा शिक्षा होगा, चुनाव का मुद्दा हमारा रोजगार होगा, चुनाव का मुद्दा हम सारे लोगों का सेफ्टी सिक्योरिटी, एक इंसान के तौर पर, एक सिटीजन के तौर पर भारत के अंदर जीने का अधिकार होगा। हम चाहते हैं ये सारे संगठन जो हम यहाँ पे आए हैं, हम 2024 में हमारी मुद्दे, हमारी एजेंडा को सेट करना चाहते हैं। सबसे बड़े इश्यूज हैं अग्निवीर, सबसे बड़ा इशू है, और क्या नाम है, रोजगार, कोई भर्ती नहीं निकली है, 2 करोड़ रोजगार देने का वादा था, अभी तक कोई रोजगार हमारे क्षेत्र में नहीं मिला है। योगी गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट बिल्कुल फेलियर साबित हो रही है। इतना बड़ा इम्पैक्ट है कि 4 साल की नौकरी, उसके बाद बेरोजगार, कोई रोजगार नहीं, 4 साल बाद वो बच्चा क्या करेगा। और ये कहते हैं कि हम 20% अच्छे बच्चे निकाले, क्या वो जो पहले भर्ती हुए होंगे 100% 80% अच्छे नहीं है। आने वाले चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा ही अग्निवीर होगा, ये 4 साल की भर्ती इन्हें 50 साल के लिए बाहर कर देगी। ये देख लीजिए चेतावनी है जो आज यहाँ पूरे के नाम छात्र एकत्रित हुए हैं, ये किसान आंदोलन के बाद दूसरा आंदोलन साबित होगा। तो पर इनका देखिए प्राइवेटाइजेशन इस तरह से बढ़ा रहे हैं, एक तरफ आप हजारों करोड़ मंदिरों में इन्वेस्ट कर रहे हैं पर दूसरी तरफ आप हायर इंस्टीट्यूशंस का फंड कट कर रहे हैं, जीडीपी में आप 10% हायर एजुकेशन को भी नहीं दे पा रहे, तो ये आपकी मानसिकता शो करती है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है। आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं मंदिर, पर क्या उससे देश के युवाओं को नौकरी मिलेगी। आज बेरोजगारी दर 20 से 24 साल के युवाओं में 44% है, मतलब मान के चलिए कि आधी आबादी बेरोजगार है। वादा हुआ था ना 2 करोड़ रोजगार का हर साल, कहाँ है वो वादा, तो ये वादे झूठे हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगी, हमारे तरफ गांव गांव में बहुत छोटा सा कहा जाता है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। राम के मानने वाले हैं आप लोग, वचन में धोखा कैसे दे सकते हैं। नरेंद्र मोदी वादा किए 2 करोड़ का, कहाँ है 15 लाख, किसको किसको मिला। हमें 15 लाख से मतलब नहीं, अरे आप इंस्टीट्यूशन को बचने तो दीजिए। प्राइवेटाइज करेंगे तो सबसे ज्यादा किन पे मार पड़ेगी, बहुजन के छात्रों पे मार पड़ेगी, क्योंकि उनके घर से वो मजबूत नहीं है। नई शिक्षा नीति आने से एक तो जो सेमेस्टर सिस्टम है, ईयरली एग्ज़ाम में बच्चे जो है अपना नहीं कर पाते, अभी ये सेमेस्टर सिस्टम आने से 2 बार उनको फीस भरनी पड़ती है। जो स्टूडेंट ग्रास रूट से गांव से निकल के आता है उसको 1 बार फीस भरने में दिक्कत होती है, अब 2-2 बार फीस और वो भी दुगनी फीस। इसलिए एक तो एनईपी ने पहले ही कमर तोड़ दी। अभी हम लोग यहाँ इसलिए आए हैं कि जो नई शिक्षा नीति है वो जो गरीब बच्चे हैं
उनको शिक्षा से दूर करने वाली शिक्षा नीति है। इसलिए हम आज मांग करते हैं कि ये शिक्षा नीति रद्द करी जाए और जो पहले जो सिस्टम था उसमें सुधार करते हुए अच्छी शिक्षा नीति जो है लागू की जाए। देखिए, जो उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति है वो वैसे ही कठिनदायक है, फिजिकल स्थिति बहुत ख़राब है। आप इधर एक जगह से दूसरी जगह आएंगे, बहुत ज़्यादा आने में ट्रैवल करने में पैसा लगता है। और दूसरी बात, जब हमारे यहाँ एडमिशन के लिए छात्र आते हैं तो उसमें अब ये CUET के तहत अब एग्ज़ाम करा रही है NTA, नेशनल टेस्ट एजेंसी, लेकिन जब उत्तराखंड बोर्ड का पढ़ने वाला स्टूडेंट है वो किस तरीके से एडमिशन वहाँ ले पाएगा, क्योंकि उस तरीके का सिलेबस नहीं कर पाता। हम अभी देखते हैं, हमारे यहाँ अंदर है गढ़वाल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, लेकिन बाहर के छात्रों को तो एडमिशन मिल जाता है, लेकिन जो यहाँ के स्थायी छात्र हैं उनको एडमिशन ही नहीं मिल पा रहा है। हमें किसी से आपत्ति नहीं है, लेकिन जो वहाँ के छात्र हैं उनको एडमिशन नहीं मिल पा रहा, क्योंकि वो उस तरीके का सिलेबस नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उसका एंट्रेंस कैसे क्वालिफाई कर पाएंगे। एक छात्र का आने जाने का 150 रुपये का किराया लग जाता है, तो उसको किस तरीके सुविधाएं देनी जानी चाहिए थी, सुविधाएं ना देकर और कठिनाई लेके आ रही है ये केंद्र की सरकार, जिसका हम जोर विरोध करने के लिए यहाँ उत्तराखंड के अलग अलग जिलों से यहाँ कर आए पहुँचे हैं। सेव एजुकेशन, शिक्षा बचाओ, NEP हटाओ, देश बचाओ, BJP हटाओ, यही स्लोगन के साथ हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि शिक्षांगन में एक तानाशाही चल रहा है, जो शिक्षा के ऊपर जिस तरीके से हमला चल रहा है, फीस बढ़ोती, स्कॉलरशिप को रद्द किया जा रहा है, सीट कटौती हो रहा है, सुइसाइड रेट, आत्महत्या के संख्या बढ़ रहा है स्टूडेंट्स के बीच में, और यही सारे बात है, रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। और जहाँ पर एक ऐसा पॉलिसी लेकर चल रही है जो सरकार, जहाँ पर गरीब और मेहनत का घर का जो छात्रों जो है उनका कोई हक नहीं है, तो इस हालत में हम लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर, पूरा देश भर से सभी छात्र आए हैं और सबसे बड़ा स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं दिल्ली में। और दिल्ली में ये तो शुरुआत है, हम लोग इसके बाद देश की बड़े बड़े हिस्सों में, दक्षिण भारत में चेन्नई में, पूर्व भारत में कलकत्ता में, पश्चिम भारत में मुंबई में भी ये ऐसा बड़ा रैली करेंगे और ये हम लोग का मैसेज देंगे। ये बहुत हो चुका है ये तानाशाही, और देश के छात्र आज तैयार है इसको रोकने के लिए और लड़ाई लड़ने के लिए। अभी आपने सुना जिस तरह से स्टूडेंट लीडर्स और इस प्रदर्शन में शामिल आम छात्रों ने बताया किस तरीके से नई शिक्षा नीति उनके एजुकेशन को प्रभावित कर रही है, और इसके अलावा पिछले 10 सालों में जिस तरह से रोजगार का सवाल एक बड़ा सवाल बनता हुआ दिखा है, और अग्निवीर अलग अलग सवाल जो छात्र और नौजवान जुड़े हैं इसके लोग जुटे थे, और इस तरीके से जैसे छात्रों से हमने बात करी और स्टूडेंट लीडर्स ने भी बताया, ये एक तरह की पहली साझी रैली थी जिसमें इंडिया ब्लॉक के सभी छात्र संगठन एक तरीके से शामिल हुए थे। इसके बाद ये लोग फिर कोशिश करेंगे इस रैली को जो दिल्ली में हुई है इसको अलग अलग जिले गांव स्तर पर ले जाए और एक बड़ा आंदोलन, व्यापक सवाल बनाए, 2024 के चुनाव में छात्र और नौजवान के मुद्दों को मुख्य एजेंडा बनाने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ क्लिक, धन्यवाद।